सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शहीद संजय जी के शहादत केवल राम मंदिर के लिए नहीं थी अपितु हिंदू आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के लिए स्थापित दास्ता की पहचान चीन को मिटाने के लिए थी। हम उनकी शहादत भुला नहीं सकते और संजय जी की स्मृति में जो भी ट्रस्ट बना है वह इस प्रकार काम करे कि हिंदू शिरोमणि संजय जी के अभूतपूर्व बलिदान की गाथा दशक दशक तक हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहे। इसमें हम सभी को जितना योगदान बन सके तन मन धन से करते रहे और करते रहेंगे। हमारे लिए स्वयंसेवक केवल साधन नहीं बल्कि साध्य और साथी भी होता है। उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार के प्रचारक श्रीमान राजकुमार ने गुरुवार को कांटी के साइन सुतिहारी संजय स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा। नाम क्या है? ऊर्ध्वगामी मंदिर निर्माण के लिए जिस इस गांव के साइन के एक संजय जी ने जो अपनी आहुति दी शहीद हुए, आज वह राम मंदिर बन रहा है और उसी उपलक्ष्य पर आज जो है उनके स्टैचू लगाया जाएगा, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। क्योंकि राम मंदिर से राम राज्य की कल्पना संजय जी का जो उनका सोच था वह आज फलीभूत हो रहा है। इसके पूरी जनता इकट्ठा होकर के हर्ष मना रही है और राम राज्य कायम होने का जो ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वह राम राज्य देखने को मिलेगा। इसका शुरुआत साइन ग्राम से संजय जी के मूर्ति लगाकर। सर कितनों दिनों में चालू हो जाएगा? सर कितना दिनों में बन जाएगा सर इसका? कोई मूर्ति तो आ गया हुआ है, सब बन रहा है, उसमें कौन विलम्ब कर पाए। 2 नवंबर 1990 में मुलायम सिंह के द्वारा जो अयोध्या में गोली चलाया गया था उसमें शहीद हुए थे। बरसों से लोगों की, यहाँ के समाज के लोगों की अपेक्षा थी कि यहाँ संजय जी का मूर्ति लगे, मूर्ति बन के तैयार है। जमीन का अभाव था, कई लोगों ने गांव का पहल किया कि हमसे जमीन लीजिए, हम जो सबसे अच्छी जमीन थी उस पर आज भूमि पूजन का काम हुआ है। 2-3 महीनों के अंदर में भव्य स्मारक उनका बनेगा और इससे भी बड़ा कार्यक्रम के द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा और संजय जी की स्मृति बरसों बरस तक धरती पर रहे इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट विभिन्न प्रकार की गतिविधि संचालित करेगा। सिर्फ यह स्टैचू लगाने का काम नहीं बल्कि उनके विचारों को समाज में फैलाएगा, इसके लिए ट्रस्ट करेगा। अरविंद कुमार सिंह अध्यक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट संजय स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट। संजय जी बाल अवस्था से ही हिंदूवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, भारत माता को ही वो अपनी माँ मानते थे, इसी धुन में लगे रहते थे किस तरह हमारा हिंदू समाज संगठित हो और इसी दिशा में लगातार को बचपन से जब होश संभाले, जवानी की दहलीज पर पांव रखे तो पूरे कांटी क्षेत्र में प्रवास करते थे, गाँव में जाकर के रुकते थे, वहीं रात्रि विश्राम करते थे, कहीं भोजन करना, कहीं नाश्ता करना और विचार गोष्ठी में हिंदुत्व का संदेश देना, ये सिलसिला वर्षों चलता रहा। उस विश्व प्रसिद्ध बजरंग दल आरएसएस से जुड़ते हुए और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उससे भी जुड़े। विश्व प्रसिद्ध के आह्वान पर वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और यहाँ से उन्होंने कुछ किया, गाँव गाँव में शिला पूजन हुआ और उन्होंने जाकर के वहाँ पर जाकर के जो उस पर जो अवैध निर्माण था उसके तोड़ने के दरमियान मुलायम सिंह के बर्बर पुलिस द्वारा उनकी हत्या हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी रंभा जी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई थी, लेकिन संजय जी के 2 अनमोल रत्न थे, 2 बच्चियाँ थीं, दोनों का लालन पालन करने के लिए उन्होंने इस सामाजिक जीवन को छोड़ते हुए ANM की ट्रेनिंग ली और समाज सेवा करने के लिए ही उन्होंने ANM का ट्रेनिंग लेने के बाद नर्स में ज्वाइन किया और अपने दोनों बच्चियों का पालन करते हुए अच्छे घरों में शादी किया और आज वही हम लोगों के बीच में नहीं रही,
विगत कुछ दिनों पहले कैंसर से पीड़ित थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। आज हम लोग इस अवसर पर संजय जी के विचार को और प्रवाहित धारा में देने के लिए और क्षेत्र में विस्तार हो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों की मूर्ति की स्थापना करते हैं, ट्रस्ट बनाए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे।